प्रैक्टिकल मीनिंग के लिए कि के को हमने 1/4 pi epsilon naught के इक्वल पुट करना है, तो इस हिसाब से जो epsilon naught है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/4 pi k, ये बनेगा। और यहाँ से हमने epsilon naught की वैल्यू जो इक्वेशन से निकाली थी जो कि 8.85 × 10⁻²⁻¹ m² और कूलम स्केयर, ये बन रही थी। उसकी भी बेस यूनिट्स और डायमेंशन की हमने कल जो है वो बात की थी। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि मैंने यहाँ पे k को इस जगह पे यहाँ पे इस जगह पे पुट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन क्या है कि k की मीडियम डिपेंडेंस होने का क्या मतलब है। बच्चों अभी k की डिपेंडेंस की तो मैंने बात की नहीं, मैं अभी k की डिपेंडेंस की बात करता हूँ। लेकिन फिलहाल आप ना कल इसके क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 कह लें और जो ये वाला क्वेश्चन है इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। और अब जो हमने इसके बाद नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करना है, आज के लेक्चर का जो मेन काम है तो ये होगा, उसमें हम लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। उससे क्या होगा, उससे ये बन जाएगी f इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 over r², ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से k की वैल्यू पुट करने के बाद k की जगह पे ये मीडियम डिपेंडेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि टैक्सेशन के हवाले से मानी रखता है, दैट मीन्स फ्री स्पेस टैक्स लेती है, वो पुट करने के बाद इक्वेशन जो है वो ये फॉर्मेट तैयार कर गई है जो मैंने यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया। अब मैं उसके बाद बात करने लगता हूँ डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ के, के जो के है ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इससे बात कर लेते हैं। बच्चों डिपेंडेंस के लिए बात करने की जो डिपेंडेंस पर बात करनी है उसके हिसाब से के की दो डिपेंडेंस है। सबसे पहले है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे पहले डिपेंडेंस है। अब बुक में तो सिर्फ लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे करता है, इस बात का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। जरा देखिए के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ n·m² / c², ठीक है। अगर मैं न्यूटन की जगह पे पुट कर लेता हूँ kg·m² / s² और बाकी यहाँ पे मीटर स्केयर लगता है और कूलम की जगह पे ampere × s² और उनका स्केयर आ जाता है, तो उस हिसाब से जो k की वैल्यू है वो क्या बनती है, वो बनती है 9 × 10⁻⁹ kg·m³/s² ठीक है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे मीडियम डिपेंडेंस की बात करूँ तो जो SI सिस्टम है जो कि एम के सिस्टम के ऊपर बेस करता है, मीटर्स किलो एंड सेकंड्स के ऊपर ये जो बेस करता है, इसकी बात करें तो यहाँ पे जो के की वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी है, वो 9 × 10⁻⁹ kg·m³/s² और पर एम्पियर स्केयर, ये वैल्यू है इसकी एम के सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ से CGS सिस्टम में जाने की कोशिश करूँ, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड की तरफ जाने की कोशिश करूँ, तो उससे क्या होता है, उससे ये जो वैल्यू बन जाती है वो क्या बन जाती है, जरा देखिएगा, के 9 × 10⁻⁹ किलोग्राम से, क्योंकि हमने ग्राम में जाना है, किलो से ग्राम में आना है, तो आपको पता है एक किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं यहाँ पे किलोग्राम की जगह पुट कर देता हूँ 10³ g। इसके बाद एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर में जब हम आना है तो उस मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर या 10²² cm लिख देता हूँ और whole³ है। अब देखिए जो सेकंड है वो दोनों में सेम है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, तो सेकंड जो है वो चेंज नहीं होना, सेकंड वैसे रहेगा, वैसे रहना है। अब जो CGS यूनिट जो करंट का है ना वो क्या होता है, वो होता है एम्पीयर। तो यहाँ पे एम्पीयर की जगह पे लिखूंगा 10⁻¹ एम्पीयर, तो ये हमारे पास उसका CGS यूनिट है। जो जरा देखो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10³ g होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स बड़े होते हैं और जो CGS यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं है। करंट का केस क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 10 एम्पियर हो तो 1 एब एम्पियर बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, 1 एब एम्पियर बनते हैं। इसका मतलब है 1 एम्पियर कितना होगा, 10⁻¹ − 1 एब एम्पियर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि तमाम ऐसा यूनिट्स बड़े होते हैं जबकि CGS जो सिस्टम के यूनिट्स हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन करंट में CGS का यूनिट बड़ा और करंट का यूनिट जो SI वाला है वो छोटा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एम्पियर की जगह पर 10⁻¹ − 1 एब एम्पियर पुट किया और उसका होल स्केयर मौजूद है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा k = 9 × 10⁻¹
यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 की ये जो पावर है अलग कर लेता हूँ, इधर आ जाएगा 7 बन जाएगा, ये रह जाएगा ग्राम, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब है, तो जब 10 की पावर 2 का क्यूब लोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10 की पावर 6 और सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स मैंने 10 की पावर 2 का भी क्यूब ले लिया और सेंटीमीटर का भी क्यूब ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे ये ना कहना कि 2 की पावर क्यूब 8 होती है, ये 2 की क्यूब नहीं है बल्कि 10 की पावर 2 का होल क्यूब है, जो कि 10 की पावर कितना बनेगा, 6 बनेगा। उसके बाद सेकंड तो दोनों सिस्टम में सेम है, तो सेकंड एज इट इज लिख रहा हूँ एज 4। उसके बाद एव एम्पेयर यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है, तो एव एम्पेयर यहाँ पे लिख लिया, उसका स्केयर भी है, और 10 की पावर माइनस 1 का जब स्केयर लिखोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10 की पावर माइनस 2। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बनता है, ये बनता है के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 3 प्लस 6 और माइनस 2 पर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2। बाकी ये जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ओवर सेकंड डेज टू पावर 4 एंड एव एम्पेयर का स्क्वायर, ये वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो k की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 20 सीजीएस यूनिट्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसके सीजीएस यूनिट्स यहाँ पर इस जगह के ऊपर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से k की वैल्यू एस आई के अंदर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एस आई यूनिट्स है, जबकि सीजीएस में k की वैल्यू क्या है, वो 9 इंटू 10 टू द पावर 20 सीजीएस यूनिट्स बनती है। तो ये मैंने बात कर ली जो k के सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डिपेंडेंस की, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दूसरी बात पे आना है कि k की अगली जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, k की डिपेंडेंस है मीडियम के ऊपर, ठीक है। k की मीडियम डिपेंडेंस की मैं बात करने लगा हूँ। अब बच्चों ये जो k की मीडियम डिपेंडेंस है ना, इसके को एक्सप्लेन करते हुए मैं इस कूलम लॉ का जो आखिरी पैराग्राफ बुक ने लिखा हुआ है जिसके अंदर फोर्स की मीडियम डिपेंडेंस एक्सप्लेन की है, तो मैं उसकी बात कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि k की वैल्यू जो अभी हमने लिखी वो क्या है, वो है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे जगह के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये k का फॉर्मूला किसके लिए है, ये है फ्री स्पेस के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है कि जब भी स्पेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड पास करती है तो स्पेस का हर पॉइंट टैक्स वसूल करता है, तो चूंकि फ्री स्पेस टैक्स वसूल करती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे कल हमने बात की थी। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि दो चार्जेस के दरमियान में जो फ्री स्पेस है वो तो है ही नहीं, दो चार्जेस लेट्स से पानी के अंदर पड़े हुए हैं, तो अगर दो चार्जेस पानी के अंदर पड़े हुए हैं तो फिर फ्री स्पेस की बात तो नहीं करनी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात नहीं करनी, फिर किसकी बात करनी है, फिर हमने बात करनी है परमिटिविटी ऑफ वाटर की। तो हम जनरली यही कह लेते हैं कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन जाएगी। तो इसलिए ये जो k की वैक्यूम वाली वैल्यू है, तो ये k वैक्यूम जो मैंने लिखा है वो ये वाला फार्मूला है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ k मीडियम के केस में, कि मीडियम के केस में k का क्या फार्मूला होगा, तो वो बन जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन m, जहाँ पे एप्सिलॉन m क्या है, एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो मीडियम जितना टैक्स लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बच्चों इसका इससे क्या ताल्लुक है, देखो लेट्स से मैं कहता हूँ कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, अगर मैं उसको एक डायमेंशनलेस वेक्टर एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एप्सिलॉन एम, क्या बन जाता है, तो बन जाता है एप्सिलॉन एम। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है वो है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एसआई यूनिट्स, और पानी की बात करें तो पानी की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 78.5 होती है, साइड में टेबल बनाया उसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या है, वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके क्या यूनिट्स हैं, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, तो इसके क्या यूनिट्स होंगे, इसके यूनिट्स भी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया कि एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, अगर आप यहाँ पे फ्री स्पेस की परमिटिविटी को एक डायमेंशनलेस वेक्टर एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे एप्सिलॉन एम बन जाता है, जो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाती है, ठीक है। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम के वही यूनिट्स हैं जो कि इसके यूनिट्स हैं, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन आर तो डायमेंशनलेस वेक्टर है, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर एक डायमेंशनलेस वेक्टर है, ठीक है। तो यहां तक हमने बात कर ली इसकी। अच्छा अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एप्सिलॉन एम की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेनी है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा के मीडियम इज इक्वल टू
वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये जो ये वाली हमारी इक्वेशन थी, ये तो चूंकि पहले ही मैंने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया वैसे यहाँ पे, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं और इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूं, लेट्स से ये इक्वेशन नंबर फोर है, और अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन वन, तो उससे क्या बनेगा, उससे ही बन जाएगा एफ मीडियम, वो क्या होगा, वो होगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और ये क्या है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फाइव, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फाइव बन जाएगी। तो जो है हमारी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन नंबर थ्री को भी पुट करना भी तो हमने, चलिए अच्छा ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फाइव है और ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री है। इक्वेशन नंबर थ्री जो है वो किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, और इक्वेशन नंबर फाइव किसके लिए है, वो मीडियम के लिए। भाई आप यहाँ पे इस इक्वेशन को एक दफा और लिख लें, और वो क्या होगा, वो होगा एफ मीडियम इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन एन। तो अब मैंने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को मिला के एप्सिलॉन एन कह दिया, और वो क्या होगा, वो होगा क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो यूनिक इक्वेशन है ये फाइव ए है, और इस इक्वेशन को आप फाइव बी का नाम देते हैं, ये एक इक्वेशन है बस दो दफा लिखी हुई है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट के टर्म में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, फिर हमने एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के टर्म में यहाँ पे वैल्यू पुट की, और दो इक्वेशंस आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन फाइव डिवाइडेड बाय इक्वेशन थ्री, ये यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन फाइव क्या है, इक्वेशन फाइव है एफ मीडियम इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये वाली इक्वेशन लिख ली। अब इक्वेशन थ्री लिखता हूँ, और वो क्या है, एफ वैक्यूम, और वो किसके इक्वल है, वो है वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, और ये हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी, एक मिनट रुकिएगा, मुझे यहाँ पे इक्वेशन थ्री को फाइव से डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर फाइव से डिवाइड करना है, वरना क्या है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू वन से बड़ी चाहिए, तो एफ मीडियम कम होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ, एफ वैक्यूम लिख रहा हूँ, और नीचे इस जगह के ऊपर क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ एफ मीडियम, तो एफ वैक्यूम को एफ मीडियम से डिवाइड करना है, तो ये यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और साथ क्या होगा, साथ होगा क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, इससे क्या होगा, ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा, ये फैक्टर इससे कट जाएगा, ये फैक्टर इससे कट जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, और वो किसके इक्वल है, वो है वन ओवर एप्सिलॉन आर, क्योंकि वन डिवाइडेड बाय वन ओवर एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, या फिर वो वन इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन आर एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, ये है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब किसके रिलेटिव, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से रिलेटिव। अब ये एप्सिलॉन आर की फ्री स्पेस से क्या रिलेशन है, उसके लिए मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, और ये क्वेश्चन क्या बन जाती है, ये क्वेश्चन सिक्स है, यहाँ पे अब मैंने एप्सिलॉन एम पुट करना है, दोबारा से काम करता हूँ, यहाँ जगह कम थी वरना मैंने इसी के सामने कर देना था, ये बन जाता है एफ वैक्यूम इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, और वो किसके इक्वल होगा, वन ओवर फोर पाई, अब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर नहीं लिखूंगा बल्कि एप्सिलॉन एम लिखूंगा, और ये क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये फैक्टर अगेन इससे कट जाएगा, फोर पाई से कट जाएगा, और क्या बनेगा, ये बनेगा एफ वैक्यूम
over f medium, that is equal to 1 over epsilon naught, 1 over epsilon m, या फिर 1 over epsilon naught divided by 1 over epsilon m, या फिर 1 over epsilon naught multiplied by epsilon m over 1, ठीक है, ये टर्म बनती है. उसके बाद फर्दर ये क्या बनता है, ये बनता है f vacuum over f medium, that is equal to epsilon m over epsilon naught. ये हमारी इक्वेशन जो है वो 7 है, चलें इक्वेशन नंबर 7 है, और क्योंकि f वैक्यूम ओवर f मीडियम जो है वो epsilon r के इक्वल होता है, तो इसलिए मैं वहां पे उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं. तो अगर आप लोगों में कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आपने माइक में पूछने हैं, क्योंकि स्क्रीन की तरफ स्पेशल जाना पड़ता है. अगर आपने क्वेश्चन पूछने हैं, अगर आप माइक में बोलोगे तो उसकी क्लियरली आवाज आ जाएगी. बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है कंपेयरिंग इक्वेशन 6 and 7. आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन आ जाएगी, वो होगी एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट, या फिर एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम. ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 8 है, और ये सारी बातें मैंने की हैं आखिरी पैराग्राफ की. तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एप्सिलॉन आर क्या है. एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम रेशियो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो भाई मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से कितनी ज्यादा है उसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, या दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में कितनी ज्यादा है उस फोर्स की निस्बत जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम में प्लेस थे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो यहाँ पे हमने आखिरी पैराग्राफ की बात कर दी है. अब बच्चों नेक्स्ट बात है वेक्टर फॉर्म की. नेक्स्ट बात क्या है, वेक्टर फॉर्म की. ठीक है, म्यूचुअल फोर्स की बात मैं बाद में करता हूँ, मुझने दो दफा लिखी हुई है म्यूचुअल फोर्स की बात, तो वो मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर ही प्रूव कर दूंगा. ठीक है, तो अब मैं बात करने लगा हूँ इसकी वेक्टर फॉर्म की. वेक्टर फॉर्म क्या होगी, अच्छा आप लोग जानते हो कि कोई भी जो वेक्टर है वो तब वेक्टर बनता है जब आप उसके मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक फोर्स है, और ये फोर्स की लाइन जो है ना ये 5 सेंटीमीटर की है और 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है. अगर मैं इसमें इस डायरेक्शन को इंक्लूड कर दूं, दैट मींस आई हैट, ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर लिख दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 5 I न्यूटन, और वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में लगने वाली एक 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी. ठीक है, दोबारा बता दूं, इस लाइन को इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आता है, तो ये आंसर आता है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देते हैं, ये एक वेक्टर जो है वो यहाँ पे बनाते हैं. इसी हिसाब से जो मैं फोर्स वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फोर्स लिख लेता हूँ कि कोई भी वेक्टर फोर्स कैसे बन रहा है, जब मैं यहाँ पे फोर्स मैग्नीट्यूड को फोर्स डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, और बच्चों चूंकि दो चार्जेस आपस में जो सेपरेटेड होते हैं, उसमें अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होती है तो जो डिस्टेंस की लाइन है वो भी इस डायरेक्शन में होती है, तो मैं यहाँ पे फोर्स यूनिट वेक्टर को आर यूनिट वेक्टर के इक्वल लिखूंगा. ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ये दो चार्जेस हैं, इनपे इतनी फोर्स लग रही है. ठीक है, अगर इनपे इतनी फोर्स लग रही है तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर. इसी तरीके से अगर दो चार्जेस में इतना फासला है तो फासले को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो जो ये वाली लाइन है ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, ये डायरेक्शन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ यूनिट वेक्टर है और आर यूनिट वेक्टर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. क्यों, क्योंकि ये दोनों ही आई यूनिट वेक्टर होंगे. ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने आई यूज किया. इस हिसाब से ये जो हमारे पास फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1/4πε0Q1Q2/r2. और जो ये वाली वैल्यू है ये मैंने पुट किया है फोर्स की जगह पे. सारी बात है मीडियम के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन एम भी आना है और यहाँ पे एफ यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या पुट करना मैंने, आर यूनिट वेक्टर. तो ये आर यूनिट वेक्टर आ गया और ये बन गई क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है,
तो बच्चों मैंने यहाँ पे इस जगह तक क्या किया है, इस जगह तक मैंने जो है वो वेक्टर फॉर्म बना दी है। अब मैंने आगे बात करनी है म्यूचुअल फोर्स की, तो ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल किस तरह से हैं। बच्चों इनकी म्यूचुअल फोर्स की सेंस बेहतर ही है, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स के केस के अंदर हमने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि किसी मार्कर का वेट 1 न्यूटन है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ इस मार्कर का जो वेट है वो कितना है, वो 1 न्यूटन है। इसका मतलब है 1 न्यूटन की फोर्स से जमीन इसको अट्रैक्ट कर रही है, जमीन को भी ये 1 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जिसका इनर्शिया कम होता है वो अपनी जगह छोड़ के मूव कर जाता है। गरीब अगर जमीन मार्कर की तरफ नहीं आती, मार्कर जमीन की तरफ जाता है। इसी तरीके से मैंने कहना है कि दो चार्जेस के दरमियान में अगर फोर्स अट्रैक्टिव की है तो एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा पहले को अट्रैक्ट कर रहा है, और इक्वल फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर रिपेल कर रहे हैं तो भी दोनों की फोर्सेस जो है वो सेम मैग्नीट्यूड में है और डायरेक्शन में अपोजिट है। इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी, नेक्स्ट हेडिंग किसके लिए बनेगी, नेक्स्ट हेडिंग बनेगी म्यूचुअल फोर्स के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो कि इसकी आखिरी हेडिंग है इस टॉपिक की, तो उसकी बात करता हूँ, और वो हेडिंग क्या है, वो है म्यूचुअल फोर्स की, ठीक है। म्यूचुअल फोर्स की हेडिंग के अंदर हम इस चैप्टर का टॉपिक का जो आखिरी हेडिंग है उसकी बात कर रहे हैं, और ये दारी बाधा सेकंड पेज के ऊपर वाले साइड के ऊपर बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे कि लेट से दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है लेट से, ये चार्ज है Q1, ठीक है, और ये वाला चार्ज जो है, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज है Q2, और लेट से दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, और इनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितनी है, वो सेपरेशन है लेट से R, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि दोनों चार्जेस उनके सिमिलर और पॉजिटिव हैं तो ये दोनों रिपेल होंगे। मैं कहता हूँ कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये लाइन लेंथ स्केल के मुताबिक उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स है F12, इसे मैंने क्या नाम दिया है, F12 वेक्टर का। क्यों? क्योंकि इट इज फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2, तो इसे क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया है F12 का, ठीक है। तो भाई ये जो फोर्स F12 है ये किस तरह से आएगी, ये फोर्स F12 तब बनेगी जब मैं यहाँ पे F12 मैग्नीट्यूड को F12 डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अब जारी बात है, मैग्नीट्यूड जो है F12 वो तो चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसकी वैल्यू वही होगी जो कि फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है, 1/4π ε0। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करने के लिए हमें क्या कहना है, मैंने कहना है कि लेट से ये हमारे पास जो फोर्स है ना F12 वो इस तरह से बनाई गई है, ये है F12 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसे क्या लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं F12 मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर बनाऊं तो वो क्या होगा, वो होगा F12 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से ये जो ये वाली लाइन लगाई गई है, ये वाली लाइन है इस मैग्नीट्यूड की, ये वाली लाइन है R। तो अगर मैं इसे वेक्टर बनाना चाहूँ तो वेक्टर कैसे बनाऊंगा, वेक्टर बनाऊंगा मैं इस तरीके से, यहाँ पे इस जगह से ऊपर R के ऊपर डाल के और एरो हेड लगा के। तो ये एरो हेड कैसे आएगा, ये एरो हेड तब आएगा जब इस मैग्नीट्यूड के साथ इस डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं और उसे मैं R हेड का नाम दे रहा हूँ। अब नई बात है, ये I, J या K अकेला अकेला नहीं होगा बल्कि उनकी कोई और फॉर्म होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/5i + 4/5j भी हो सकता है, इस तरह की कोई भी और वेक्टर फॉर्म हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर F12 और ये R12 बनाया है, ठीक है। अब चूंकि डायरेक्शन दे दी है तो R12 कहूंगा मैं इसे, क्योंकि ये F12 की डायरेक्शन में, इसलिए इसे R12 कहूंगा। बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि इस डायरेक्शन में आने वाला F12 यूनिट वेक्टर और R12 यूनिट वेक्टर ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है मैंने F12 की जगह पे R12 पुट कर देना। तो इस हिसाब से जो फार्मूला है F12 का ये क्या बनेगा, ये बनेगा F12 मैग्नीट्यूड इनटू F12 डायरेक्शन। तो ये फार्मूला ये शेप तैयार कर लेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और साथ R12 यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो मैंने F12 का फॉर्मूला जो यहाँ पे है ना उसकी बात कर ली कि F12 का आंसर किस तरीके से आएगा। अब मैं बात करता हूँ F21 की।
अच्छा जी, दोबारा से ये चार्जेस बनाता हूँ कि लेट्स से ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज जो है ये चार्ज है Q2, सिमिलर चार्जेस हैं, इनके दरमियान में फासला R है, ठीक है, इनके दरमियान में फासला क्या है, इनके दरमियान में फासला R है और ये फोर्स लग रही है इसी डायरेक्शन में रिपल्शन की, फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ 1, और मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर जो मैंने ये वाली लाइन लगाई है ये है वेक्टर फोर्स F21, ठीक है, और ये है इसका मैग्नीट्यूड, इसे मैं क्या नाम दूंगा, F21 मैग्नीट्यूड का नाम दूंगा, इसे क्या नाम दूंगा, F21 मैग्नीट्यूड का नाम दूंगा, और ये है मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, ये है F21 यूनिट वेक्टर। अब उसके साथ मैच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनके दरमियान में जो फासला है जिसे मैंने R मैग्नीट्यूड का नाम दिया है, मैं उसको इस डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ R21, ये R21 है, इन दोनों को R और R21 को, इसे भी चले R21 का नाम दे देंगे, ये तो स्केलर है, इसमें 21 ये 1 लिखने से फर्क नहीं पड़ता, अकेला R भी लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास जो आंसर आता है, तो आंसर क्या होता है, वो आंसर ये वाला होता है, ठीक है, और इसे क्या नाम देते हैं, इसे R21 वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर इस डायरेक्शन में ये एक वेक्टर है R21 ये, और इसी डायरेक्शन का ये वाला वेक्टर F21 यूनिट वेक्टर ये आपस में इक्वल है, इस हिसाब से जब मैं लिखूंगा F21 is equal to F21 magnitude into F21 direction, ताकि F21 वेक्टर बन जाए, तो इसकी वैल्यू तो स्केलर फॉर्मूले वाली ही होगी, दैट मींस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और F21 की जगह पर क्या लिखना है, R21 यूनिट वेक्टर, तो ये बन गया F21 और ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी है, ये 11 है, ठीक है। तो अब मैंने म्यूचुअल फोर्स की बात करनी है, दैट मीन्स पहले तो डायरेक्टेड फोर्सेस की बात की है और अब मैंने बात किसकी करनी है, अब मैंने म्यूचुअल फोर्स होने को जो फाइनल प्रूफ है उसकी बात करनी है। ओके बच्चों, अब जरा देखिए, आपको मैंने यहाँ पे इसका एक वेक्टर बना दिया जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम हमने रखा R21, ठीक है, ये R21 यूनिट वेक्टर है, ये बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक वेक्टर है और ये वेक्टर मैंने यहाँ पे इस जगह पे बनाया हुआ है और ये क्या है, ये है R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, एक R21 और एक R12, दोनों मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों का सिमिलर मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। बच्चों अगर इनमें से किसी एक वेक्टर को मैंने इन्वर्ट करना हो या इसे, चलो इसे कर लेते हैं। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं कि ये जो ये वाला वेक्टर है ये R21 है, सॉरी ये R12 है, तो ये वाला वेक्टर क्या हुआ, फिलहाल इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर ये वाला वेक्टर R12 है तो ये वाला वेक्टर क्या हुआ, ये वाला वेक्टर था -R12, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन उलट करें तो साथ माइनस का साइन आता है, तो भाई ये जो फिर ये वाला वेक्टर है ये तो इसके इक्वल है, दैट मीन मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये जो हमारे पास वेक्टर है R21 यूनिट वेक्टर और इस तरफ वाला ये वाला वेक्टर -R12, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसे इक्वेशन नंबर 12 कहते हैं और R21 की जगह पे -R12 पुट कर देते हैं, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 12, तो इक्वेशन नंबर 12 में पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इक्वेशन बन जाएगी F21 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R21 की जगह पे -R12 पुट कर देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब उसके बाद माइनस को बाहर निकाल लीजिए, क्या बनेगा, F21 इज इक्वल टू -1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों तो ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर तो यहाँ पे इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह पे ये पुट कर लें, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा F21 इज इक्वल टू -F12 और इसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि ये क्वेश्चन जो हमारी क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्या प्रूव कर देती है, ये इस बात को प्रूव कर देती है कि ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो म्यूचुअल है,
मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट, वेक्टर फॉर्म में माइनस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये बात प्रूव कर दी कि दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या है, वो म्यूचुअल फोर्स है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अभी पूछें और माइक में बोलिएगा काइंडली। ठीक है, मैं तब तक रिपीट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या किया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है सबसे पहले कूलम लॉ की बात करनी थी। चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो कि पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज, फील्ड चार्ज और फील्ड मास की हमने बात की थी, सॉरी फील्ड चार्ज और टेस्ट चार्ज की हमने बात की थी। उसके बाद कूलम लॉ स्टार्ट किया था, और कूलम लॉ का स्टार्ट में क्या था, कूलम लॉ का स्टार्ट में सबसे पहले था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमने ये बताया कि जो प्रीवियस नॉलेज था हमारे पास वो क्वालिटेटिव था, उसमें सिर्फ ये बात थी कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद हमने कहा कि चार्ल्स कूलम ने 1784 के अंदर, जो कि फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, उसने बताया कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के जरिए से ये बात प्रूव होती है इक्वेशंस क्या आती हैं। और इक्वेशन बेस्ड हमने जो स्टेटमेंट बनाई वो क्या थी, द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर बनाया, के की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट से किस तरह से फाइंड आउट की गई उसके बारे में बताया। फिर हमने के जो बेस नॉट डायमेंशन की बात की, उसके बाद के की फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात की, के की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, उसकी वैल्यूज क्या होंगी। फिर उसके बाद हमने के की डिपेंडेंस की बात की, हमने ये कहा कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, SI है कि CGS है कि FPS यूनिट्स है। इसके बाद हमने ये बात की कि मीडियम डिपेंडेंस में एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को मिला के हम एप्सिलॉन एम कह सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम और डायमेंशनलेस है, जबकि एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का मल्टीपल है और इसे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। एप्सिलॉन एम तो वही यूनिट्स होते हैं जो कि एप्सिलॉन नॉट के होते हैं। उसके बाद हमने ये बातें की, मीडियम डिपेंडेंस की बात कर दी, मीडियम डिपेंडेंस में जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी बात कर दी, और उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म बनाई, और वेक्टर फॉर्म बनाने के बाद हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों म्यूचुअल फोर्सेस हैं, F21 और F12 वेक्टर्स आपस में एक दूसरे में मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो लेक्चर है ये वाइंड अप होता है, और आई थिंक टाइम भी तकरीबन ओवर हो रहा है। तो बच्चों अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो पहले टाइप कर दें, या चलें आप बोल लें। सर ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर नहीं है, किस तरह वेक्टर नेगेटिव कैसे हुआ इसको, ये बोला जी सर। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ उसको, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने बात की कि इस जगह पे मैंने एक वेक्टर बनाया है, और वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर है इस तरह से आर, और जो यहाँ पे डायग्राम मैंने मिटाई है उसमें मैंने एक वेक्टर इस तरह से बनाया था, और वो वेक्टर क्या था, वो वेक्टर था R12 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन बनाऊं और मैं कहूँ कि ये वाली लाइन थी, इसको मैंने इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, दैट मीन्स मैंने R21 मैग्नीट्यूड को R21 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो R21 वेक्टर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर मैंने इस लाइन को इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है R12, ये R12 यूनिट वेक्टर है और ये R12 वेक्टर है। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे इन दोनों बातों को कंपेयर करूँ, ठीक है, इन दोनों बातों को कंपेयर करूँ, इन दोनों लाइन को देखें, तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है R21 यूनिट वेक्टर, और ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है R12 यूनिट वेक्टर। तो क्या दोनों की के मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। तो अगर आप इस लाइन को भूल जाएं, ठीक है, सिर्फ इसकी बात करें R12 की, तो अगर ये वेक्टर A है तो ये क्या होता है, माइनस A। अगर ये वेक्टर B है तो ये क्या होता है, माइनस B। तो अगर ये वेक्टर R12 है तो ये क्या होगा, माइनस R12।
अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस आर वन टू, और उस केस में ये चीज और जो ये वाली इक्वेशन है ये आपस में क्या हो जाएगी, ये आपस में इक्वलाइज हो जाएगी। उसका मतलब है आर टू वन माइनस आर वन टू के इक्वल होगा। ठीक है, अभी भी कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। बच्चों क्लियर है? यस सर। ओके, किसी और बच्चे का भी कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना आज के लेक्चर को माइंड अप करेंगे। ओके बच्चों, आज के लेक्चर को हम माइंड अप करते हैं। आगे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही था, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल खुदा हाफिज़।